अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज मैं फिर लेकर आ गया हूँ एक 5 मिनट्स टिप। और आज की टिप क्या है, उर्दू किस तरह से टाइप किया जाए इलस्ट्रेटर में। एक्चुअली मुझे उर्दू इतना इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इस वजह से कभी सोचा नहीं कि यार किस तरह से हो, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल करना शुरू कर दिया कि सर जी उर्दू किस तरह से टाइप करेंगे। थोड़ी सी 5 मिनट की रिसर्च थी और सोल्यूशन निकल आया। तो आइए मैं बताता हूँ किस तरह से आपका उर्दू टाइप किया जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये करना है कि जस्ट गो टू गूगल और गूगल पे आपने सर्च करना है पाक उर्दू इंस्टॉलर। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए है कि आपकी विंडोज में हमें एक लैंग्वेज उर्दू लैंग्वेज इंस्टॉल करनी है ताकि आप उर्दू टाइप कर सकें। बहरहाल इस साइट पर जैसे ही आपको पहला ही लिंक मिल रहा है इस पर जाएं। अब यहाँ पर देखें आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये एक जिप फाइल जो है ये मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा, जरा जल्दी डाउनलोड हो जाएगी, थोड़ी कंप्रेस होगी। मीडिया फायर पे जाएंगे आप। सो यहाँ पर ये ग्रीन वाला जो बटन आ रहा है यहाँ से आपने डाउनलोड करना है, और जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास एक जिप फाइल आएगी, और जिप फाइल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट से मैंने इसको डाउनलोड किया, तो जैसे ही ये आपका डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है या आपकी डाउनलोड की डायरेक्टरी में जाके या फोल्डर में जाकर के इसको ओपन करना है। ये आपका विनरार या विनजिप जो भी आपके पास है उसमें ये खुल जाएगा। इसको आपने सिंपली एक्सट्रैक्ट करना है। सो मिसाल के तौर पर मैंने इसको यहाँ एक्सट्रैक्ट किया और इसको एक बार डबल क्लिक करके रन कर दें, ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। मैं अभी इंस्टॉल नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ये। ठीक है, सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये तो खैर आसानी लगेगा, इतना मुश्किल नहीं है। बहरहाल जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पर विंडोज के ये टास्क बार में अगर आप इस जगह पर देखें तो ये एक ऑप्शन आ रहा होता है कि आपने उर्दू टाइप करनी है या इंग्लिश, ये आपके पास फीचर आ जाता है। ठीक है, एंड उसके अलावा इसका एक शॉर्टकट भी है, वो ये कि आप विंडो और स्पेस बार अगर आप दबाएंगे तो आप चेंज हो जाएंगे उर्दू में। सो अगर मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दूं, सो इवन आप नोट पैड पर भी उर्दू टाइप कर सकते हैं। सो ठीक है, एंड यस अगर मैं इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर दूं, सी दिस, सो यस आपके पास ऑप्शन है कि अब आप उर्दू भी टाइप कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर अब मैं इलस्ट्रेटर में जाकर के टाइप करना लगता हूं, मिसाल के तौर पर मैंने यहां लिखा पाकिस्तान, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। जरा गौर से देखा, मैं इसको जरा बड़ा कर रहा हूं, क्योंकि इलस्ट्रेटर अज्यूम हमेशा ये करता है कि हम इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये चलाएगा, जबकि हमारी उर्दू जो है वो राइट टू लेफ्ट, उर्दू या अरबिक ठीक है वो राइट टू लेफ्ट चल रही होती है, लेकिन ये टाइप करने लगता है लेफ्ट टू राइट। अब सोल्यूशन क्या है, बहुत छोटा सा सोल्यूशन है। आपने जाना है एडिट में और यहाँ प्रेफरेंसेस में, ठीक है, और यहाँ से आपने लेना है टाइप। इसमें आकर के आप देखें यहां पर आपके पास दो आ रहे हैं, लैंग्वेज ऑप्शंस, शो ईस्ट एशियन ऑप्शंस एंड शो इंडिक ऑप्शन। नाउ ऑब्वियसली हमारा ईस्ट एशियन नहीं है, हमारा इंडिक है, उर्दू लाइक इंडिया से ये निकला हुआ है, एंड आई डोंट नो मुझे इसका सही अंदाजा नहीं है इंडिक से क्या मुराद, बट बहरहाल ये आपने चेक लगाना है और ओके कर देना है। ठीक है, अब आपके पास जो ये पैराग्राफ का पैनल है, अगर आपको ये नहीं पता कि ये कहाँ से खुला तो सिंपली आप कंट्रोल टी कर दें तो आपके पास कैरेक्टर पैनल आ जाता है और उसके बराबर में आपके पास पैराग्राफ पैनल है। ठीक है, यहाँ आप जाएंगे और यहाँ पर आपके पास ये मिडिल ईस्टर्न एंड साउथ एशियन सिंगल लाइन कॉम्पोजर आ रहा है, इसको सेलेक्ट कर लें। जैसे ही आपने सेलेक्ट किया, मगर याद रखिएगा ये आपका टेक्स्ट सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब आपने जैसे ही इस पर क्लिक किया ये आपका उर्दू चेंज हो चुका, मतलब आप राइट टू लेफ्ट हमारा चलेगा। सो यस अगर आप कोई बड़ा जुमला भी टाइप करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं जरा फॉन्ट साइज बड़ा कर लूं ताकि आप लोगों को नजर आए, यस आप सिंपल ये कर सकते हैं कि डिफरेंट फॉन्ट्स आपके पास अगर अवेलेबल हैं, अगर नहीं है तो प्लीज नेट से डाउनलोड कर लें। ये ख्याल रखिएगा कि हम उर्दू टाइप कर रहे हैं और इंटरनेट पर आपको मोस्टली
अरेबिक फॉन्ट्स मिलेंगे और अरेबिक फॉन्ट्स में कुछ हरूफ नहीं है, जैसे अगर आप लोगों को पता हो कि गाफ ग जो है वो अरेबिक में नहीं है तो वहां पे ज होता है। इसी तरह से कई सारे अल्फाज हैं, जैसे टे है हरूफ, बेसिकली मैं लफ्ज नहीं कहूंगा हर्फ कहूंगा, जो हर्फ या जो हरूफ आपके अरेबिक में नहीं है वो आप टाइप नहीं कर सकेंगे। तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि कहीं से उर्दू फॉन्ट्स सर्च करें एंड डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। ये मत पूछना मुझसे कि उर्दू फॉन्ट्स कहाँ से डाउनलोड करें, प्लीज जाएं गूगल पे सर्च करें, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा आप लोगों को, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये टिप अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।